मेन मकसद इसको हल करना है कि देखें ये जैक जो है यहां पे आता है, ये देखें ये में टाइट हो जाता है। जब ये टाइट हो जाता है तो फिर ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, ठीक है। क्या है मेन चीज, ये है ये जो हिलता है ना, ये आपने देख। तो मैं अभी इस कैमरा बंद करूंगा और इसको मैं सही तरीके से फिट करूंगा और टाइट करके आपको बताता हूँ, ठीक है इसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले इंशाल्लाह अभी जिस मोबाइल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद मेरा यानी कल या परसों मेरा नया मोबाइल आ जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं फिर उस पे वीडियोस बनाया करूंगा इंशाल्लाह। क्वालिटी आपको और भी अच्छी मैं इंशाल्लाह दूंगा। और क्या कहते हैं, एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि भाई बैक साइड पे मतलब मुझे काफी आवाज आती है खड्डों में से गुजरे या कोई भी ना, तो उनको फिर मैंने बताया था कि जो आपकी स्टेपनी पड़ी होती है, जो आपके साथ उसका जैक पड़ा होता है, बाकी भी चीजें पड़ी होती हैं, तो उसकी वजह से वो हिल जाता है, तो उसकी वजह से भी शोर होता है। और बाकी सामान भी अक्सर लोग काफी रखते हैं, जैसे मैंने भी अपने कोई जरूरत की चीजें पीछे रखी हुई हैं, तो वो क्या कहते हैं मेरी गाड़ी में से भी इस तरह आवाज आती है और मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ। यानी मैं अगर हो रहा हूं तो बाकी लोग भी होते होंगे, तो इसी बात पे उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया। तो मैंने कहा चले आज मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूँ कि आवाज क्यों आ रही होती है, ठीक है, मैं भी इस चीज को ठीक करूंगा। ये मसला नहीं है कि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट हुआ हुआ है या कुछ पता नहीं कोई चीज टूटी हुई है, वो इंसान अपनी गाड़ी को खुद देखे तो फिर पता लग जाता है। मतलब अदरवाइज यही प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई आवाज अगर आती है तो वही स्टेपनी वगैरह हिली होती है, उसका जैक जो सही उसके अपने लॉक पे बैठा नहीं होता, वो डगड़ डगड़ आवाज करता है। तो ये दो तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से मतलब आप इरिटेट होते हो कि यार मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट है, ठीक है। और मेरे भाइयों आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हो, मैसेज ये करते हो आप लोग मतलब यानी कमेंट्स में ये बताते हो कि यार हमें कोई अच्छा मैकेनिक लाहौर में नहीं मिलता या किसी और शहर में नहीं मिलता। मेरे भाइयों मैकेनिक तो हर जगह होते हैं, अब वो कैसे हैं इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, ये आपको खुद ही देखना पड़ता है एक अच्छे मैकेनिक के पास। एक दो बंदों से पूछ लिया करो कि भाई यहाँ पे अच्छा मैकेनिक कौन है कि नहीं, पता लग जाता है। कि देखो गाड़ी में गाड़ी का जो ये बताना चाह रहा हूँ कि यार मैकेनिक जो है ना ऐसे मुझे भी नहीं पता कि मतलब पिशावर में कौन मकैनिक मतलब मकैनिक्स कौन अच्छे अच्छे मकैनिक है। जिनसे मैंने काम करवाया है कभी अपनी गाड़ी का तो वो मेरे लिए अच्छे ही रहे हैं। एक बात मैं आपको बड़े काम की बात बताऊंगा, ये जरा थोड़ा सा गौर से आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। वजह ये है मेरे भाइयों कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी ले लेते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं किस मकैनिक के पास जाऊं, ये मकैनिक मुझे कैसे काम करके देगा, ये से पता चलेगा कि मकैनिक मतलब, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में जरा सा कंफ्यूज था कि मैं ट्यूनिंग किस पे कराऊं। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था यार, साफ सी बात है मैं अनिल था बिल्कुल, मतलब अनाड़ी था मैं, सिर्फ गाड़ी मेरे ड्राइव करना सीखी थी, मगर मुझे शौक था, मुझे अपनी गाड़ी के मुतालिक जानना था कि गाड़ी में इंजन ऑयल किधर होता है, फलानी चीज किधर लगी है, फलानी चीज किधर लगी है। ये आस्ता आस्ता आपको पता लगता जाता है। दूसरी बात ये कि आपको YouTube, जो हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं, इससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलती है, मुझे भी काफी YouTube से नॉलेज मिली है। अब आप लोग मेरी वीडियोज देखते हो तो आपको मेरी वीडियो से भी नॉलेज मिलती है। तो मैकेनिक्स के भी मतलब मैकेनिक हजरात से भी बस बंदा पूछ लेता है इसको क्या कहते हैं इसको, मगर मैंने कभी पूछा नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों अक्सर जो होता है शुरू शुरू में परेशानी तो बहुत होती है कि यार अब मैकेनिक मुझे कौन सा अच्छा लगेगा। मैं लोगों से पता करता था कि यार मैकेनिक कहाँ मिलेगा, ठीक है। एनीवे बातें बहुत हो गई हैं मेरे भाइयों, जिस के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्यों गाड़ी पीछे से डग डग आवाज करती है, आजकल मुझे भी कर रही है, इसलिए मैं उस चीज को आज ठीक करता हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहे मेरे साथ। खोला और ये आपके सामने डिगी मैंने खोल दी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास ऐसा यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वजह क्या होती है। एक तो ये देखें जी कि ये मैंने जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, ये कूलेंट कप पड़ा हुआ है, हालांकि ये मेरे लिए वेस्ट है मगर मैंने वैसे ही रख दिया था, ठीक है। ये बॉटल पड़ी हुई है, ये बॉटल मेरे लिए ज़रूरी है, पानी पड़ा रहता है इसमें, 2.25 लीटर की बोतल है, इसलिए मुझे एक ही रखता हूँ। इसमें मेरा जो है जो कूलेंट है पुराने वाला वो पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं वो भी इंटर कर दूंगा, सही है। और एक मेरे पास पड़ी हुई है कॉस्मो की
एक ये मेरे पास जेल पड़ा हुआ है, देखो कितना कुछ निकल आता है गाड़ी में अगर आप रखो तो। एक ये देखो कॉस्मो का ये पड़ा हुआ है, क्या क्या ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब आप ये जगह खाली होगी, ठीक है। अब आप इसके नीचे देखिए जी, इसके नीचे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये गर्मी में काम आती है कभी, हालांकि इतनी ख़ास मैंने कभी लगाई नहीं है, मगर मैंने आपको बता दी है कि ये भी पड़ी रहती है, ठीक है। असल चीज़ जो है ये है, आवाज़ जो है ना कहाँ से आती है, ये इस डब्बे, ये गत्ता नहीं है, ये गत्ता, ये मेरी अपनी गलती की वजह से टेढ़ा हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने रबड़ हटा दी थी, ठीक है। ये रबड़ देखें, ये रबड़ मैंने हटा दी थी, वेस्ट है मेरे लिए, मुझे शौक ही नहीं था, बस वैसे ही मैंने वीडियो बनाने के लिए मंगवा ली, ठीक है। अभी रही बात इसमें आपके, ये देखें जी, एक आध ये भी पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर पड़ा हुआ है मेरी गाड़ी का, और ये बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा इसको मैं रख ही लेता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने मैं आपको बताता हूँ कितना सामान मैंने निकाला है, ये देखो ये निकाला है, ये देखो ये निकाला है। तो ये गाड़ी में इतना सामान होता है, ठीक है, मेरी गाड़ी में मैंने ये रखा हुआ है, हालांकि ये मेरे अभी किसी काम का भी नहीं है, यानी ये दो बोतलें मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने कहा चलो बंदा कभी पानी यूज़ करता है इसलिए रख लेता हूँ, ठीक है। एनीवे, अब मेन मकसद क्या है, मेन मकसद इसको हल करना है कि देखें ये जैक जो है यहाँ पे आता है, ये देखें ये डग डग करता है, ये जैक देखें आपके सामने, ये देखें ये लूज हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना, ये देखें ये फिट है, देखो ये हिल नहीं रहा, ये देखो मैं आपके सामने पूरा कैमरा भी हिलेगा, ये हिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसका अपना एक नट होता है, ये नट होता है, ठीक है। ये नट जो है इसी की रेंज में आके इसी में टाइट हो जाता है, जब ये टाइट हो जाता है तो फिर ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, ठीक है। अभी देखें और सामान मैं निकालता हूँ, ये देखें ये कुछ मेरे वेडिंग्स के प्राउंस पड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी लाइटें भी पड़ी हैं और बड़ी बड़ी ऐनक भी पड़ी हुई है, ये देखो ये बड़ी बड़ी ऐनक भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये मैंने शादी के लिए रखे हुए हैं, और इसमें देखें ये देखें आप और सारी चीज़ें भी देखते हैं, ये देखें ये देखो ये फेरी लाइट्स भी रखी हुई हैं, यानी इतना सामान मेरे पास गाड़ी में इसमें पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, मैंने इस मकसद से किया है कि ये सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया ना, ये इस सामान से ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये इसकी वजह से नहीं है। मेन काम क्या है, मेन चीज़ ये है, ये जो हिलता है ना, ये आपने देख लिया है, ये इसकी वजह से ये आपको आवाज़ आती है, ठीक है। और अगर आप गाड़ी चला भी रहे होते हो तो आप परेशान हो जाते हो कि यार ये डग डग आवाज़ क्यों आती है, तो ये जब इसमें से आप खड्डे में से आप गुजरो या किसी जगह से गुजरो ना, तो ये जब ऊपर नीचे हिलता है ना, तो ये आपको डग की आवाज़ देता है, क्योंकि बॉडी से जाके लगता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी टाइट करूँगा, ठीक है। तो आप भी अपनी गाड़ी में देख सकते हो कि क्या फॉल्ट है, यही फॉल्ट होते हैं आपके पास जो सामान होता है, कुछ लोहे मोए का सामान भी रखा होता है, किसी ने कोई अपने काम की औजार भी रखे होते हैं, तो औजारों को इस तरीके से रखें या किसी कपड़े में लपेट के रखें, और या फिर ऐसे गाड़ी में औजार मतलब किसी थिक से कोई शॉपर में, यानी मोटा जो बबल्स वाला शॉपर आता है उसमें लपेट के रख लें, और वो इसलिए क्योंकि उस टाइम फिर ये है कि आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैं अभी इस कैमरा बंद करूँगा और इसको मैं सही तरीके से फिट करूँगा और टाइट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके, इसके अपने लॉक सिस्टम है, ये लॉक सिस्टम है, इस लॉक सिस्टम में इसको सही तरीके से बिठाऊँगा तो ये मसला हल हो जाएगा, और फिर जो मेरे पास चीज़ें वेस्ट हैं उन चीज़ों को भी मैं रिमूव करके फारिग कर दूँगा ताकि मेरे पास जगह फ्री हो जाए, ठीक है जी। तो जुड़े रहें, क्योंकि ये बहुत काफ़ी नीचे हुआ हुआ था, यानी इसको ये नीचे था बिल्कुल लॉक सिस्टम इसका, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिट करने के लिए अपने हाथ से घुमा रहा हूँ, देखिए ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ये जब नीचे जाएगा तो ये फिर बैठेगा नहीं उसके अंदर अपने लॉक में, तो इसको इतने लेवल पे आपने रखना है कि जब इसका लेवल पूरा हो जाए तो वहाँ पे कट में बैठ के इसको हल्का सा टाइट कर दें, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, फिर ये आवाज़ नहीं करता। तो ये चीज़ काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी है, ओरिजिनल है इसकी अपनी, ठीक है। तो ये काफ़ी सख्त हुआ हुआ है, तो इसी वीडियो में मैं इसमें WD-40 भी डालता हूँ ताकि ये नरम हो जाए और बड़े आराम से इजीली आपकी कहीं खुदा ना खासा आपका टायर पंचर होता है, कुछ होता है, तो आप इसको इजीली हाथ से भी उठा सकते हो। तो मैं इसमें जल्दी से WD-40 डालता हूँ, इसको हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए जी, ये कितने काम की चीज़ है यार, कितना मैंने आपके सामने यूज़ किया है, तकरीबन मोस्टली हर वीडियो में यूज़ करता हूँ मैं इसको, ये देखें,
ठीक है, इसको इधर डालें, इधर डालें ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। इसमें यूं कर लें, थोड़ा सा डाल लें ताकि ये आपका नरम हो जाए। तो ये इसको मैंने हल्का सा स्प्रे कर दिया, इसको भी स्प्रे कर दिया, ठीक है जी, और इसके बीच में भी थोड़ा सा मैंने स्प्रे कर दिया। तो ये आपके सामने सारा मैंने इसको नरम कर दिया है। अभी थोड़ी देर बाद ये इतना नरम हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा कि मैं अपने हाथों से आराम से इसको टाइट कर सकूँगा। WD-40 बहुत काम की चीज़ है मेरे भाइयों, रखो इसको। अच्छा जी, तो मैं ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, ये देखें जी कितना नरम हो जाएगा अभी, देखें। अच्छा, ये आप चेक करें, ठीक है, नरम हो गया, ठीक है। अब जितना इसको हाथ की मदद से कर सकते हैं, हम हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें जी, पूरा घूम रहा है, ये देखें आपके सामने खुल गया, ये देखें, ये देखें हाथ की मदद से, देखें कितना नरम हो गया, ये देखें आपके सामने खुल गया, ठीक है। और ये मैंने इसको बंद कर दिया, यानी WD-40 ने इसको कितना नरम कर दिया है, ठीक है। ये देखें आपके सामने बंद हो गया ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ WD-40 अपने पास रखें, बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। तो ये मैंने आपके सामने फ्रंट वीडियो खोल के आपको बता भी दिया कि ये देखो, चेक करो। अच्छा जी, तो ये देखें जी, मैंने अभी इसको बिठा दिया है, सख्त हो गया, ये देखें, ये देखें जी, ऐसे हिलेगा, अदरवाइज इसके अलावा नहीं हिलेगा, क्योंकि इसके साथ मैंने सही एक चीज़ और बतानी थी। अक्सर ये लोगों ने ये साइड इस तरफ किया होता है, इसका असल जो तरीक़ेकार है ना, वो ये साइड जो है, यानी जहाँ से आपका कुंडा डलता है, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ये इस तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका हाथ भी नहीं पड़ेगा टायर की वजह से। दूसरी बात ये कि ये बैठेगा भी इस तरह, मेरा जो था वो उल्टा पड़ा हुआ था, इसलिए उसमें सही लॉक नहीं था, मगर उसको मैंने वापस इस तरफ किया है, तो ये मैंने इसको लॉक भी कर दिया है और आपके सामने ये इसके अंदर फंस भी गया है। यानी बहुत जोर हुआ तो निकल जाएगा, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा, ना ही अब ये डग डग करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो मैंने इसमें रख दी हैं, और आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये इस तरफ आ गया, ठीक है, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलता, ठीक है जी। अगर बहुत ही मतलब, यानी ये बॉडी है ना, तो इससे तो वो होगा, अदरवाइज़ ये अब खड्डों में भी जाएगा तो नहीं हिलेगा, ठीक है। इसको भी मैंने अच्छे से वो बंद कर दिया है, ठीक है, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ थी वो मैंने वापस रख दी तरीके से। ये देखें जी, मैंने वो भी रखा है मगर अंदर की तरफ रखा है ताकि सेफ़ पड़ा रहे, कभी भी किसी को चाहिए होगा तो दे दूंगा, ठीक है। एनीवे, ये जो है अपनी जगह पे आ गई है, ठीक है, ये दो बॉटल जो है करेरा और ये जो है, ये चीज़ें जो है वेस्ट हो गई है, ठीक है, ये कॉस्मो भी वेस्ट हो गई है, इसको भी फेंक देंगे हम कूड़े के डब्बे में या फिर किसी बच्चे को गंद वाले को दे देंगे जो उठाता है, ठीक है। हमारी ज़रूरत क्या थी, एक वो चमक, ये चमक जो मेरी शाइनर है ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये पड़ी हुई है, ठीक है, और एक ये है बॉटल, मैंने इसमें फिट कर दी, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह वो जो नॉइस आएगी या खड्डे मड्डे में से गुजरेगी, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। आप भी अपना जो वेस्ट चीज़ें हैं जो हमने वैसे ही रखा होता है उसको भी निकाल लिया करें। तो जी, ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी, वेस्ट भी निकाल दिया, ठीक है। जो भी आपकी गाड़ी में इस तरह आपके पास भी कोई वेस्ट सामान हो, आप भी उसको निकाल सकते हो। तो अभी बिल्कुल सेट हो गई है, इंशाल्लाह नॉइस नहीं आएगी, खड्डों में जाएगा तो ये चीज़ हिलेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत मज़बूत हो गया अब, ठीक है जी। ये देखें जी, देख रहे हैं आप, सही मज़बूत हो गया, ठीक है। तो मैंने अपना ये सारा सिस्टम वगैरह ठीक कर दिया, मैंने इसलिए आपको भी बताया है। आपके सामने मैंने सारा जो वेस्ट था वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और आप एक लुक चेक कर सकते हो, गाड़ी की बैक साइड से सारी लुक चेक कर सकते हो, ठीक है, और सारा सिस्टम बिल्कुल ओके हो गया है। तो चलें, मैं अब इस वीडियो को एंड भी करता हूँ। भाइयों, आपके सामने मैंने सारा डिटेल में आपको बता दिया है कि डिगी में जो फालतू वेस्ट सामान होता है, जैसे मैंने रखा हुआ था, ठीक है मेरे भाइयों, तो वो मैंने गायब कर दिया है, हटा दिया उसको। वैसे ही टाइम इंसान के पास नहीं होता था, बंदा बस वैसे ही रख लेता है। तो ये चीजें नॉइस करती हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, इरिटेट होता है इंसान, ठीक है, मैं भी होता था, तो जिससे मैंने आज टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई। और आपका जो जैक का मसला होता है, जो मेन चीज जो जैक है, जो जैक आपका जो हिलता है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप उसको लॉक में बिठा दो, ताकि आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसी नॉइस ना हो। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिस भाई ने ऐसी बात की थी उनको भी ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।